शरबत मन सौदाए दूर मैं तुझसे हूँ ना रब लब आना तू पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि तुमने कमल बलोच के साथ टक्कर लेके अच्छा नहीं किया मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी कमाल चीज होगी यार ये इसकी बॉल चेक कर लेकिन अब क्या करेंगे इस वीडियो का हम भी एक वीडियो बनाएंगे माँ का रिश्ता दिल से होता है कागजों से नहीं होता तो जितना मर्जी मेरे बेटे को कागज पे लिखा ले लेने आऊंगी मैं एक दिन देर से सुन रही है तू मेरी एक ख्वाहिश है पूरी कर देंगे आप बोलिए एक सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ ये कौन है किसके साथ सेल्फी ले रहे हो क्या करें यार फेसबुक भी तो भरना होता है ना कौन सी सेलिब्रिटी कहाँ की सेलिब्रिटी ये है कौन यार तुम बस पीस चेक करो पीस एकदम टाइट है भाई हेलो कौन मुन्नी तेरी बाजी बात कर रही हूँ कैसी है तू फौजिया बाजी कहाँ हो मुन्नी तो ठीक है ना घर में सब कैसे हैं अम्मा अब्बा मुन्ना कैसा है तुझे क्या पता तू तो हमें छोड़ के चली गई हम मरे अजी हैं मैं मजबूर थी मुन्नी और अब हम जिस मजबूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं ना तुझे नहीं पता क्या हुआ सब ठीक तो है तेरे जाने के बाद सब बदल गया अब्बा का काम नहीं चल रहा भाई घर छोड़ के चला गया मुन्ने को स्कूल से बाहर निकाल दिया अरे अब्बा तेरा सब कुछ हो गया तू छोड़ इस वक्त तू कहाँ है तू ठीक तो है मुन्नी मैं शहर में हूँ मैं हाँ मैं ठीक हूँ सुन मुझे ना बुटीक में काम मिल गया बुटीक वो क्या होता है बुटीक वो जहाँ कपड़े बनते हैं कपड़े सीती हो ना इधर गांव में भी तो चौधरी में कपड़े सीती थी ना तो यहाँ बड़े पैसे वाली औरतों के कपड़े सीती हूँ बाजी तुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते होंगे हाँ बहुत अच्छे पैसे गुजारा हो जाता है अच्छा सुन मुन्नी मैं ना मुन्ने की फीस के लिए पैसे भेजूँगी और बाकी के पैसे तो अब्बा को कहना कि अपना काम संभाले अब्बा नहीं लेगा वो तुझसे बहुत नाराज है अच्छा तो अम्मा को दे देना कहना उसकी बेटी की कमाई है और मुन्ने को काम पर ना भेजना पढ़ाना उसे अच्छा सुन वो अम्मा या मुन्ने से बात हो सकती है अभी अभी तो नहीं अभी सब सो रहे हैं पहले अम्मा से मैं खुद बात करूंगी फिर तेरी बात करवाऊंगी मुझे लगता है अब्बा उठ गई है मैं फोन रखती हूँ चल ठीक है अपना ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़ हैं बस ये क्या है इतने पैसे बाकी कहाँ हैं अम्मा देखना वो दुकान नहीं सही चल रही सामान भी कम हो गया है वो अम्मा देखना वो ऐसे बोल तो पैसे जरा पैसे तो भेज दे अभी तो भेजे थे इतनी मेहनत से कमा के भेजता है तुझे हक लाल की उसकी कमाई तू शहर गया था इतना सारा सामान लेके आया था दो गई किधर है सामान किधर है पैसे अम्मा जब गांव की औरतों को मुफ्त में चीजें देगा तो मुनाफा कहाँ से होगा ओ तू चुप कर मार खाएगी तू मुझसे क्यों
खाऊंगी मैं, हैं? अम्मा इससे पूछ, पूछ इसे, इसकी दुकान पे औरतों का रश क्यों रहता है? ले ले सुन ले अम्मा, वो दुकान औरतों की चीजों की, तो औरतें नहीं होंगी तो मर्द होंगे फिर ना। तो परचून की दुकान क्यों नहीं खोलता? इसलिए नहीं खोलता ना कि फिर आवारा औरतें तेरी दुकान पे कैसे आएंगी? चुप कर जा, जुबान देख इसकी कैसी किधर चलती है। तुम रैपटा काम करो ना, चल मेरा बदतमीज ना होते। मुझे बता बाकी के पैसे किधर हैं? अब देखना मैं की जवाब दें। स्मार्ट भी काम है, दुकान नहीं सही चल रही, लग रहा मतलब नजर लग गई किसी की। और नजर तो लग गई है, लेकिन मुझे बता दे बाकी पैसे कहाँ हैं? अम्मा देख कार तूने चलाना है, तू ही संभाल, मुझे नहीं पता। ओ बंद, गल सुन मेरी, अपनी याशियों से निकल आ, याशिया ना कर, पैसे पूरे घर लेके आया कर। अम्मा देख कार तूने चलाना है, तू संभाल ले, तू देख ले मुझे पता। मैं जा रहा हूं। नहीं आ रहा मैं। सोना मुंडा ना हो गया, मुसीबत हो गई, सारी शहर दी कुड़ियां नु पता नहीं की कुछ खवा देंदा है, हद हो गई। ए पैसे ने ए कमाई है, ले। मैं तुझसे एक बात कहूं, निराश तो नहीं होगी? हाँ बोल। रात को बाजी का फोन आया था। फौजिया का फोन आया था? हाँ, तू सो रही थी, वो तुझसे बात करना चाह रही थी। अब क्या बात करनी है उसने? हम मर जाते तब बात करती वो। तूने कहा नहीं कि उसके जाने के बाद कैसी कैसी मुसीबतें टूटी हैं हम पर? वो तो पता ही नहीं कैसी कैसी मुसीबतें टूटी हैं। हाँ अम्मा, वो तुझसे बात करके मुन्ने और घर के लिए पैसे भिजवाना चाह रही थी। पैसे? वो कहाँ से भेजेगी? अम्मा शहर में वो बड़ी सी दुकान पे कपड़े सीती है। अच्छा, हाय फौजिया, मेरे जाने के बाद तो जैसे इस घर को नजर ही लग गई। तेरा भाई घर से चला गया, तेरे बाप का काम रुक गया, तनिए भाग्य क्या होगा। चल चापी। वैसे बाजी बहुत याद आती है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? घर बात हुई थी आज, अब्बा बहुत परेशान है। बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया, छोटे ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं सोच रही हूँ कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर दूँ घर। Don't tell me, कमल बेबी, तुम अभी खुद उस स्टेज पर जहाँ खुद को मजबूत किया जाता है, तुम्हारे अखराजात अरे वो तो पूरे कर लो यार। मेरे घर वाले मैं परेशानी में नहीं देख सकते। देखो कमल, तुम खुद अपने लिए कितना कमाती हो, हाँ? अरे बड़े मुश्किलों से तुम्हारा खर्चा चल रहा है। मैं ना गुजारा कर लूंगी, पैसे भेज रही हूँ मैं घर में, मुझे नहीं पता। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुम नहीं बदलोगी, जो करना करो। तो बताना कितने पैसे भेजो फिर। मुझे मत पूछो, जो करना करो। क्या है दोस्त नहीं है तू मेरा, नाराज तो ना हो ना। क्या कहूँ
देख लो मुझको, बला हूं। अभी जवाब देती हूँ तुझे मैं, क्या लिखूं आज के सड़के रह जाए। कुछ मर्द मुनाफिक होते हैं और मुनाफिक मर्दों से खबर बलोच की खुली जंग है, जो मर्द मुझे लाइक करता है सिर्फ वो मेरी वॉल और स्टेटस को लाइक कर सकता है, बाकी मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। लव यू ऑल। टेंशन नहीं लेनी बेबी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बोलो बोलो बेबी, गुड नाइट। जंजीरों से बागी और सपनों की ताबीरों से जागी हूँ, क्यों अपनों से बेगानी मैं लागी। गर्द इश्क फकीर पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा, मैं हो जाऊं ना बागी। पीरा वे पीरा वे पीरा। वो पैसे भिजवाने फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। फॉर्म? ये फॉर्म भर दें आप, उसके बाद आ जाए। पहले जी जी थैंक यू। ये मैंने फिल कर दिए। मैडम सही है, काउंटर पे जमा करा दें आप। मैडम यहाँ से ना जाए, बाहर से। बाहर से। Excuse me, वो मैंने फॉर्म फिल कर दिए, पैसे ओ पैसे सॉरी मेरे अंदर रख दिए। Excuse me, यहाँ रजिस्टर भाई हेलो, वो यहाँ रजिस्टर बड़ा था, उसमें मैंने अपने वो एनवेलप था खाकी कलर का, उसमें पैसे थे मेरे। रशीद भाई रजिस्टर पड़ा, कौन है रशीद भाई? भाई रजिस्टर में पैसे मेरे एनवेलप में, कौन है रशीद भाई यहाँ? हेलो भाई, कौन है रशीद भाई? ये रशीद भाई कौन है? कोई बोलेगा जवाब देगा भाई। हेलो सुनिए, यहाँ रजिस्टर पड़ा था, वो मैं जो फॉर्म फिल करी थी मैंने यहाँ रख के, वहाँ रजिस्टर था एक बड़ा सा पड़ा, उसके ऊपर रखा है, वहाँ मेरा एनवेलप था खाकी कलर का, उसमें पैसे, वही पैसे मेरे घर वालों को भिजवा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि फॉर्म भरा है, एनवेलप नहीं है आपके यहाँ। भाई आपने मुझे कहा कि फॉर्म फिल करके उनको दे, जब मैं वहाँ यहाँ से जाने लगी आपने कहा बाहर से आए मेरी।
सुने जब मैंने आपको यहाँ फॉर्म दिया मुझे वहाँ जाते एक मिनट ही लगा ना ये कह रहे कि पैसे नहीं है ये रजिस्टर कौन लेके गया मुझे कोई बताएगा प्लीज नहीं तंग करे ना पैसे भिजवाने हैं मैंने घर में कोई सुन रहा है सुनिए कितने पैसे थे आपके पूरे 15,000 थे मुझे घर भिजवाने और मेरे पास पैसे भी नहीं है मेरे घर वालों को जरूरत है और ये कह रहे कि पैसे नहीं है भाई ये रशीद भाई कौन है जो यहाँ से रजिस्टर उठा के लेके गए आप प्लीज उनका तो बताएं आप है रशीद भाई काइंडली कोई बताएगा कोई जवाब ही नहीं दे रहा सब बिजी हैं ओ हेलो भाई वो पैसे मेरी जरूरत के हैं मुझे अपने घर वालों को आपके सामने मैंने फिल किया है फॉर्म आपने यहाँ खाकी कलर का कागज नहीं देखा और ये रशीद भाई कौन है जहाँ से रजिस्टर उठा के ले गए हैं मुझे नहीं पता सॉरी कैसे बात करें ऐसे करें कि जैसे किसी को मालूम ही नहीं है यहाँ से रजिस्टर कहाँ गया वो कौन है रशीद भाई आपके कहाँ से यही जमीन पे पड़े हुए थे आपकी नजर नहीं पड़ी होगी शायद वो खाकी कलर का कागज था हाँ हजार हजार के नोट थे उसपे बिल्कुल ओ गॉड थैंक गॉड थैंक ये मेरा ही फॉर्म है ना जी ये पैसे इन्होंने दिए जी ये तो मेरे नहीं है ओ हेलो हेलो क्या नाम है इनका शहरियार ओ मिस्टर शहरियार ओ रुकिए ओ हेलो हेलो वन सेकंड सर फिर कहे ना इसको कि हमारे साथ दुबई भी चले हैं एक बड़ा ताइफा जा रहा है अच्छा जी जी बिल्कुल मैं बात करता हूँ वैसे तो काफी लड़के हैं सर मगर और की भी जरूरत होगी समझ रहे ना आप امام دینا اوئے امام دینا اللہ خیر او بھائی کوئی تار شار تو نہیں لے آیا اوئے امام دینا شہر سے تیرے نام کا منی آرڈر آیا ہے میرے نام کا منی آرڈر میرے نام کا منی آرڈر کس نے بھیج دیا او کوئی ریحان نام کا بندہ ہے اس نام کا تو میرا کوئی واقف بھی نہیں ہے شہر میں ओ भाई देख ले किसी और का ना हो पता तो तेरे घर का ही लिखा हुआ है इमाम दीना पता मेरे घर का है और मनी ऑर्डर है समझ नहीं आ रही मुझे और ये तेरे नाम का ही मनी ऑर्डर आया है इमाम दीना और जल्दी कर मैंने और भी कहीं जाके डाक देनी है इस पे कुगी मार और पैसे पकड़ ये लो देख ले भाई कौन आया था फौजिया के अब्बा शहर से किसी ने पैसे भेजे हैं पैसे कौन भेज सकता है हमें भेजने वाला कौन है अब्बा बाजी ने भेजे होंगे उसका फोन आया था वो घर के खर्चे के लिए पैसे भेजेगी तो उसका टेलीफोन भी आ गया उसकी ये जरूरत वो क्या समझती है कि मैं अब बेटी की कमाई खाऊंगा अब्बा उसकी मेहनत की कमाई है ऐसा ना बोल ओ क्या मेहनत करती है वो वहाँ कि इतने इतने पैसे हमें बेच रही है अब्बा शहर में एक बड़ी सी दुकान पे कपड़े सीती है ना तो कपड़े सीने से इतने पैसे मिलते हैं चल ना फौजिया के अब्बा अब भेज ही दिए तो रख ले ओ नहीं मैं नहीं रखूंगा ये पैसे ये तू क्या कर रहा है फौजिया के अब्बा रिजक है ये इसकी बेदबी ना कर और फिर किसी गैर ने थोड़ी भेजा अपने ने भेजा वो तेरी अपनी होगी और खबरदार जो तूने आज के बाद उसका मेरे सामने नाम भी लिया ठीक है हमारी तो बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी इन पैसों से अल्लाह ना करे कि मेरी कोई जरूरत इन पैसों से पूरी हो तू कर अपनी जरूरतें पूरी ओ
My name is Kamal Bloch. No bubbly, it's not pinky. Kamal. Kamal. Kamal Bloch. Kamal Bloch, not Kamal. Yeah. Kamal. Kamal. Yeah. Kamal. Yeah. Baloch. Aap Balochistan se hain? No, I'm from Lahore. मम्मी पापा बड़ी गलत बात होंगे यार सीन बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा ये दिखा रहे हैं जानबूझ के मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने मेरी बेइज्जती की है माय पैशन इज सिंगिंग यार मजाक बना रहे हैं मेरा काम एक साथ अच्छा काफी मसरूफ चल मैंने तो पहले ही बना दिया नो आई एम नॉट के प्रोग्राम में मत जा ये जगह तुम्हारी मतलब की नहीं है क्यों ना जाती मैं क्योंकि मैं किसी की सिफारिश ही नहीं थी इसलिए तुम्हें सब मालूम है ना सब पता है तुम्हें फिर भी नादान बनती हूँ जितनी तगड़ी सिफारिश होगी ना उतने ही रास्ते खुलते जाएंगे फिर तो बेसुरा भी चल जाता है हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सुन रही हूँ क्या सोच रही हूँ सोच रही घर वालों ने भी देखा होगा ना शो तुम्हारा क्या ख्याल है ऑफ कोर्स देखा होगा इतना ही डर था तो गई क्यों प्रोग्राम डर नहीं है घर में बोला बुटीक से पैसे कमा रही हूँ परेशान हो ना गुड अब इन बातों को बर्दाश्त करना सीखो हाँ बर्दाश्त करूँ मैं थक गई हूँ बर्दाश्त कर करके इतनी मुनाफ़कत है ना जिसकी कोई ये पढ़ो जरा देखो कैसी कैसी बकवास लिखते हैं लोग इनको दुनिया में और कोई काम नहीं है लोगों के पास तो टाइम ही है ऐसी बकवास लिखने का इट्स ओके बेबी इन बातों को बर्दाश्त करो यार दिनों में स्टार बन जाओगी यही लोग होंगे जो तुम्हारी तारीफें करेंगे तुम्हारे पेज को लाइक करेंगे मजाक मत उड़ाओ ना मेरा चुप I'm a professional model और सिंगिंग भी करती हूँ और ब्रांड्स के शूट्स किए हुए हैं मैंने और मैडम नूर जहां और नैयर नूर की गजलें मुझे बहुत हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब क्या हाल मैं तो ठीक हूँ जी आप ये बताएं ये टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है इसमें मॉडल है कमल बलोच ये आपकी मॉडल नहीं है हाँ जी जी वो हमारी मॉडल भाई वाह अपने मॉडल्स की प्रमोशन करना कोई आपसे सीखे इसको तो पूरे के पूरे एपिसोड में ही फुटेज मिली है सर हाँ जी वो तो करना ही होता है ना जी सर ये तो रातों रात ही स्टार बन जाएगी हाँ ये तो है सर ये बताएं अग्रीमेंट है क्या इसके साथ आपका हाँ जी हमारा एग्रीमेंट है उसके साथ सर फिर कहे ना इसको कि हमारे साथ दुबई भी चले हैं एक बड़ा ताइफा जा रहा है अच्छा जी जी बिल्कुल मैं बात करता हूँ वैसे तो काफी लड़के हैं सर मगर और की भी जरूरत होगी समझ रहे ना आप जी जी मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई मुझसे क्या बात कर रहे हो फिर रखो फोन करो उसको बुक कोई और ना हो चकले जी जी अजीम साहब आप फिक्र ना करें वो हमारी मॉडल्स हैं इतनी आसानी से उचकने नहीं देंगे हम आप परेशान ना हो मैं आपको अपडेट करता हूँ ठीक है बस सही है जल्दी डन करें ओके अल्लाह हाफिज़ मैं कमल बलोच आज तुम सबको चैलेंज करती हूँ सब प्रीप्लान्ड होता है लड़की को बताया होगा ऐसे एक्ट करो ऐसे बिहेव करो नहीं जिस तरह बेचारी परेशान हो रही है रो रही है मुझे नहीं लगता कि ये प्री प्लान्ड होगा देखो तो
पैसे मिल गए थे? जी बाजी, लेकिन अब्बा बहुत नाराज था। क्यों? वो कहते हैं बेटी की कमाई नहीं खाऊंगा, उसने पैसे उठाकर फेंक दिए। फिर अम्मा ने उठा लिए, ने कहा मेरी बेटी के पैसे, इसकी कदर करूंगी मैं। बाजी तू फिक्र मत कर, मुन्ने की फीस भी और घर के दूसरे काम भी हो जाएंगे इसमें। मुन्नी अब्बा और क्या कह रहा था? बाजी अब्बा कह रहा था पता नहीं कैसी कमाई के पैसे जो उसने हमें भेजे। तूने बताया नहीं वो बुटीक में काम कर रही हूँ। वो कहते हैं कपड़े सीने की इतनी कमाई नहीं होती। मैं नहीं मानता, शहर में रहकर अपना गुजारा भी कर रही है और हमें भी भेज रही है। बाजी वो बहुत नाराज था। मुन्नी तू मुन्नी को मेरा प्यार देना है और अम्मी से कहना तेरी बेटी की बड़ी मेहनत की कमाई है और भेज दूंगी। हाँ बाजी वो तुझे बहुत याद करती है, कहती है जब से फौजिया गई है घर की बरकत चली गई। अम्मा को कहना बरकत वापस लौट आएगी, फौजी कह रही थी जल्दी आएगी बरकत। चल ठीक है, फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है बाजी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। खुश है ना? कैसे कैसे लोग आ जाते मुंह उठा के जिन्हें गाने की अलिफ बे भी नहीं पता होते। अबे यार इसका मुंह देखा है ना, मुंह ना मथा, आवाज ऐसी है जैसे फटा हुआ ढोल। बिल्कुल फजूल अदाएं हैं इसकी, बेइज्जत करके निकाल दिया, यही डिजर्व करते थे। नहीं यार एक चांस तो मिलना चाहिए था। बहुत ज्यादती हुई है इस लड़की के साथ, जजेस ने चीटिंग की है। सिफारिश नहीं थी ना इसके पास, तभी ऐसा हुआ है इसके साथ। पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तान टैलेंट हंट में आई है। तमीज ही नहीं है ना कपड़ों की ना गाना गाने की। हेलो चंदा बेबी, बहुत बड़ी चीज हो गई है तुम, हैं? काम की बात करो। स्टार बनते ही एटीट्यूड भी आ गया है। वाह। कौन स्टार, मैं तो अभी अपग्रेड होने वाली पोजीशन में हूँ ना। और क्या कहा था कि मुझसे एक बार बात करने के बाद कोई बात नहीं करना चाहता, यही कहा था ना तुमने मुझे? वक्त वक्त की बात है, आज तो तुम्हारे लिए इतने फोन आ रहे हैं कि मैं हैरान रह गया। अरे वाह, ऐसा है नसीब, हम जैसी मॉडल की भी किस्मत खुल गई। कल क्या कर रही हो, ऑफिस चक्कर लगाओ? मैं देखो आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम मिलता तो आती। अच्छा हमारी बिल्ली हम ही को मियूं? अरे कह रही हूँ ना टाइम मिला तो आ जाऊंगी, एम ही सर खा रहे हो। वो तो आना पड़ेगा, काम जो चाहिए। क्या मतलब है, तुम काम नहीं दोगे तो काम नहीं मिलेगा क्या? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है चंदा बेबी, तुम्हारा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम हमारे अलावा किसी के साथ काम नहीं कर सकती, समझी? जानती हूँ
इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने मुझे खरीद लिया है। और तुम भी याद रखना, अपनी मर्जी से काम करने की आदत है मुझे, बांधी नहीं हूँ मैं, पर टाइम मिलता है तो आती हूँ। फिर शोर का झटका धीरे से गौहर को लगा। हाय दुनिया कैसे बदलती है। उफ हाँ, जिसके मुंह में जो आ रहा बोली जा रहा है। सही नहीं किया जज ने। गुस्सा मत करो, बल्कि मुंह तोड़ जवाब कि जजेस ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। बेबी, चुप की जुबान कोई नहीं समझता, मुंह तोड़ जवाब देना। जवाब तो मैंने जरूर दूंगी, और ऐसा जवाब दूंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे। क्या यार, आप भी हर वक्त फेसबुक पे ही लगी रहती हैं। शरियार ये देखो, म्यूजिक शो में इस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की है। पहले उसकी मजाक उड़ाने वाली वीडियो बनाई और फिर ऑडिशन के नाम पर उसकी बेइज्जती की। ये सब चलता है मामा, सब रेटिंग्स ही गेम है। क्या पता रेटिंग्स के लिए चैनल ने लड़की को खुद कहा हो कि अपना मजाक उड़वाए ताकि वीडियो वायरल हो। ऐसा भी होता है? और नहीं तो क्या, सब प्री प्लान्ड होता है। लड़की को बताया होगा ऐसे एक्ट करो, ऐसे बिहेव करो। नहीं, जिस तरह बेचारी परेशान हो रही है, रो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये प्री प्लान्ड होगा। देखो तो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आप रोए तो नहीं, प्लीज आप रोए तो नहीं, बताया तो सही, हुआ क्या है आपको? रो क्यों ना, रोना तो आता है ना, मुझे पता है मेरी आवाज आती है, मुझे पता है मेरी आवाज आती है, बुरी बुरी आवाजों को जानते हैं। आई आपने मुझे कहा कि फॉर्म फिल करके उनको दे, जब मैं बाहर यहाँ से जाने लगी आपने कहा बाहर से आए। मेरी बात सुने, जब मैंने आपको यहाँ फॉर्म दिया मुझे वहाँ जाते एक मिनट ही लगा ना। ये कह रहे कि पैसे नहीं है, हमें सबको चांस देना पड़ेगा। बट हम दिवाली लोगों को चांस दे रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ओ हेलो, हम पे इल्जाम लगा रही है। Oh my God, इल्जाम नहीं लगा रही। Why don't you understand? मैं सिर्फ ये कह रही कि मुझे एक चांस देने आप प्लीज। आज मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं सब जानती हूं कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये गेम क्यों खेला। सब रेटिंग का चक्कर है, मगर मुझे ये बताइए कि इस सिर्फ रेटिंग की खातिर किसी के दिल के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने जो मेरे और वहां आने वाले दूसरे लोगों के साथ किया बहुत गलत था, बहुत बहुत गलत था। मैं बहुत जल्द सारी दुनिया को बता दूंगी कि खमा ब्लॉच खतन ऐसी नहीं। तुम लोग खुद को जजेस और मेंटोर कहते हो? तुम लोग इस मकाम पर बैठने के लायक नहीं हो, जो मकाम तुमको कुदरत ने दिया है। मैं कमल ब्लॉच आज तुम सबको चैलेंज करती हूँ कि मैं एक दिन गाना गाऊंगी, और उसके लिए मुझे तुम जैसे जजेस की जरूरत नहीं। लव यू ऑल।